हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तिनसुले के इस राइडर सेट पे हूँ। तो अभी मेरे साथ है राइडर सेट का ऑनर सूरज दादा। तो आप लोग यहाँ राइडर सेट पे रह के कौन कौन सी जगह घूमने की जगह कवर कर सकते हैं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। फिर फ्रेंड्स, ये रहा तकदा का ऑर्किड सेंटर। तो ये ऑर्किड का ग्लास हाउस, तो भीतर में चलिए दिखते हैं। हेलो, वेयर आर फ्रॉम? मैं दार्जिलिंग से, आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से? तो ये ऑर्किड सेंटर में विजिट किया है ना आप लोग ने? तो कैसे लगा? अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे कहाँ पे रुके? यहाँ पे होटल पाइन रिज। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्किड देख लिया आपने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है ना? इट नीड्स मेंटेनेंस। जी जी जी, इट नीड्स मेंटेनेंस बट नाउ इट इज फाइन। यस, मेंटेनेंस तो जरूरी थे। थैंक यू जी। थैंक यू। हेलो जी। हेलो। हेलो, आप लोग कहाँ से आया? हेलो, कोलकाता से। हाय 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 बोल दीजिए। हाय हाय, कहाँ से आप? कोलकाता से। कोलकाता से? वो फर्स्ट टाइम है विजिट किया यहाँ? फर्स्ट टाइम। तो ये ऑर्किड अच्छा है ना? देखिए अच्छा 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 लगा। अभी आप लोग कौन कौन सी जगह विजिट कर रहे हैं? लम्हाटी जाएंगे, इको टूरिज्म। हाँ हाँ, इको टूरिज्म। घूमा डाड़ा, ये रास्ता में जो जो है एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, बट विल गो देयर। ओके। तो दोस्तों, अभी मैं फुनचुक छिलिंग गुम्बा में, तो ये तकलिंग में है। तो ये गुम्बा काफी पुराना गुम्बा है, तो 108 वर्ष पुराना गुम्बा है। तो देखिए बहुत अच्छी जगह में ये गुम्बा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग लवर्स व्यू पॉइंट पे, लवर्स मीट व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे बहुत सारे टी स्टॉल है, तो आप लोग यहाँ पे फास्टफूड आइटम ले सकते हो और चाय का जूस के मज़ा लेते हुए व्यू का मज़ा भी ले सकते हो। देखिए भाई साहब, ये सारा का सारा मेरे राइट साइड में व्यू देखिए, क्या गजब का व्यू है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सभी लोग सनसेट देखने के लिए आए हैं, सभी टूरिस्ट लोग। तो आप लोग यहाँ से सनसेट और सनराइज का मजा ले सकते हो। गुम्बा डांडा व्यू पॉइंट से आप लोग सारा का सारा ये एरिया देख सकोगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लामाटा इको पार्क में हूँ, तो चलिए आप लोग को ले चलते लामाटा इको पार्क की तरफ। तो आप लोग यहाँ से हिमालयस यानी कंचनजंगा का एक ब्यूटीफुल व्यू का मज़ा ले सकते हो। और लामाटा इको पार्क से दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सिलगढ़ी से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए रेस्ट हाउस भी बनाए हैं। तो लामाटी को पार्क से आप लोग संदकपुर, फालुट, हिमालयस, कंचनजंगा और सत्सिंग सारा का सारा प्लेसेस जैसे कि चारधाम, नाम्ची, सानडुप्चे, ये सारा का सारा आप लोग देख सकोगे। तो वहाँ पे एक टेलीस्कोप है, दूरबीन, तो दूरबीन से आप लोग सारा का सारा व्यू का मजा ले सकते हो नीचे में, जो मैंने पहले दिखाया था वहाँ से। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, अपना टाइम वेस्ट स्पेंड करते हैं यहाँ पे आके।
फैमिली के साथ आते, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ आते, तो यहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज मिलेगा आप लोग को, पाइन फॉरेस्ट। हेलो, मेरा नाम सुमन लामा है, मैं ये गार्डन लामा टेको पार्क गार्डन के एक मेंबर हूँ। हम ये कमेटी से ये गार्डन चलाता हूँ और ये जो आपने देखा ये टेलीस्कोप बानेकर लगा हुआ है, यहाँ से जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो उसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ से होगा और यहाँ से आपको पूरे कंचनजंगा का व्यू मिलेगा ये टेलीस्कोप बानेकर से, और चार धाम नामची का जो है चार धाम का नज़ारा मिलेगा, और यहाँ संदूप से जो गुरु पद्मासम बाबा स्टैचू है वो आपको मिलेगा, और यहाँ से संदूपुर फालूट या पूरा सिंगालीला रेंज हिमालयज रेंज आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ का चार्ज ऐसा है, जब यहाँ का वेदर अच्छा होता है, खुला होता है, तो मैं यहाँ का थोड़ा चार्ज 30 से 40 रुपीज़ लेता हूँ। तो ये जो चार्जेस जो है यहाँ का, ये चार्जेस एक्चुअली वेदर पर डिपेंड करता है। जब वेदर क्लियर होता है अच्छा चार्ज लेता हूँ, जब वेदर जो कभी फॉग होता है कभी वो ढक जाता है तो इसलिए उस समय थोड़ा सा चार्ज कम होता है। और ये जो चार्ज हम कलेक्शन करते हैं, ये चार्ज हम पार्डन इस गार्डन में ही हम खर्च करते हैं मेंटेनेंस के लिए, और हमारे यहाँ पर ये गार्डन का जो ये देखभाल या मेंटेनेंस के लिए हमारे डिपार्टमेंट से टूरिज्म से कुछ भी नहीं मिलते। जो आप यहाँ से जो टूरिस्ट लोग आते हैं जो टिकट खरीदते हैं उससे हम थोड़ा परसेंट टिकट कलेक्टर को जो यह काम करते हैं उसको देकर हम 80% आप डिपॉजिट करके गार्डन को हम मेंटेनेंस करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का गार्डन चल रहा है। आप लोग ये राय रेस्टोरेंट व्यू पॉइंट से ये पूरा एरिया दिख सकोगे, कालिम्पोंग साउथ सिक्किम। तो ये काफी बड़ा रूम है, तो आप लोग यहाँ पे चार आदमी रह सकते हो, डबल बेड है, दो बेड, तो दो दो करके रह सकते हो। तो इस रूम को पड़ेगा आप लोग को 3000, तो फुट का अलग अलग से लगेगा। तो बैठे बैठे आप लोग यहाँ पे विंडो सनराइज का मजा ले सकते हो। तो 5:30 से स्टार्ट होगा, तो दिसंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा सनराइज। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू मिलेगा आप लोग को। तो बाकी बारह बाहर एक फाका बालकनी भी मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे चाय का चुस्के का मजा ले सकते हो और ब्रेकफास्ट डिनर कर सकते हो। देखिए और फ्रेंड्स, आप लोग रायर स्टेट का जो दार्जिलिंग टाउन से रायर स्टेट का जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सिलगुड़ी से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो रायर स्टेट के बारे में दादा से जानकारी लेंगे हम। तो दादा, ये रायर स्टेट का एक जो रूम का बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ जी, हमारा रूम का टैरिफ है आपका डबल बेड 1900 और VIP कॉटेज, वो भी डबल बेड है, वो भी 2800 और 4 बेड कॉटेज चार जन के लिए हो जाएगा, वो है 2800 और सुपर डिलक्स 4 बेड उसका 3000 और 5 बेड वो भी 3000 का है टैरिफ विद GST। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो राइडर्स का जो मैंने आपने जितने भी मैंने रूम दिखाया, तो रूम के हिसाब से ठीक है, आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो। और खाना का तो अलग से लगेगा ना? हाँ जी, खाना का पर हेड 650 पर के लगेगा आपको। उसमें आपका सुबह में बेड टी होगा, ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा और टिफिन होगा, डिनर होगा। तो आप लोग यहाँ से यहाँ पे मतलब जितने भी टूरिस्ट लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, तो आप लोग टैक्सी या गाड़ी भी अवेलेबल? हाँ जी, वो सभी लग्जरीज ये सभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, साइड सीन पिकअप ड्रॉप सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे मतलब अच्छा वेदर है, आप लोग यहाँ से बैठे बैठे विंडो सनराइज भी देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और व्यू का तो मजा ले सकते हैं आप लोग। तो दादा का कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट भी बता दीजिए। हाँ जी, हमारा होटल का वेबसाइट है www.tinchulerayresort.com और उसमें आपको सभी टैरिफ सभी मिलेगा, आपको नंबर सभी वहीं पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये जो रायर स्टेट का कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नीचे भी मैं दूंगा, इस नंबर में आप लोग कॉन्टैक्ट करके रायर स्टेट के बारे में और घूमने के जगह के बारे में दादा से जानकारी ले सकते हो आप लोग।
और दूसरी बात है कि यहाँ पे विजिट करने का एक सटीक टाइम है, राइट टाइम कौन से है दादा, किस टाइम से स्टार्ट होगा? देखिए आजकल तो हमारा लगभग साल भर ही सीजन ही लगता है, फिर भी अक्टूबर और ये मई का पिक सीजन होता है। ये आपको रूम मिलना एकदम 5-6 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा, तभी आपको रूम मिलेगा।